फैसले का ये परवाना मेरे हाथ में है। मैं हमारे माननीय जजेस को मंच पर आने की दावत देता हूं। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस संध्या की मुख्य अतिथि सुश्री लता मंगेशकर जी। बेस्ट मेल सिंगर ऑफ द सीन, जिसमें सबसे पहला पुरस्कार है प्रेस्टीजियस लता मंगेशकर ट्रॉफी, एंड द प्राइज गोज टू प्रदीप सोमसुंदरम फ्रॉम त्रिचूर। और दीदी से अनुरोध है कि कृपया यह ट्रॉफी प्रदान करें। बेस्ट फीमेल सिंगर ऑफ द सीन, चौहान कॉन्टेस्टेंट नंबर वन। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय यश चोपड़ा को। और यश जी, हमारे दोनों विजेताओं को अपनी फिल्म कंपनी की तरफ से अनुबंध प्रदान करें। श्री हर्ष गोयनका, चेयरमैन आरपीजी एंटरप्राइजेस, ये हमारे विनर्स को एचएमवी का रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करेंगे। और मैं अनुरोध करता हूं मुंबई के मशहूर जवाहरात के व्यापारी श्री जीतेन रमणिक लाल से कि कृपया वो मंच पर पधारे और हमारे विजेताओं को एक एक लाख रुपए का गिफ्ट वाउचर प्रदान करें। और मैं इस संध्या की मुख्य अतिथि आदरणीय लता जी से अनुरोध करूंगा जो भी वो कहना चाहे, प्रसाद जो भी। भाई और बहनों, ये हम लोगों ने एक छोटा सा कदम उठाया है कि नए नए कलाकारों को यहाँ मौका मिले आने का और गाने का। आज के जो विजेता हैं उन लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, पर जो हारे हैं उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। कभी मायूस नहीं होना चाहिए, इंसान को हमेशा एक लगन होनी चाहिए और अपने काम के पीछे पड़ जाना चाहिए, तभी जाके वो सिद्ध होता है। मुझे यकीन है कि ये जो सब कलाकार हैं ये आगे जाकर ज़रूर भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखें, क्योंकि सुगम संगीत की जो नींव है वो शास्त्रीय संगीत है और इन्हें शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखना चाहिए ताकि आगे जाके ये बढ़ सकें। और आज हार जाना जो है वो सब कुछ यहाँ ख़त्म नहीं होता है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए और इंसान कोशिश करता है। मैं यही कहूँगी कि वो ज़रूर कोशिश करें। जब मैं पहली बार जब आई थी तो हम लोग ट्रेन में बैठ के जाते थे, लोकल में रात के दो दो तीन तीन बजे तक रिकॉर्डिंग करते थे, सुबह उठ के फिर छः बजे जाते थे। मैं, मनाजा, मुकेश भैया, हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, तभी जाके आज हमें थोड़ा सा नाम मिला है। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी वजह से हम लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं। अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, आपकी दुआएं ना मिलती, तो लता मंगेशकर ना होती। आपसे यही विनती है कि जो आपने प्यार दिया है वो हमेशा देते रहें, आपके आशीर्वाद हमेशा मिलते रहें। और ये जो कलाकार हैं इन्हें भी, इनका भी उत्साह आप बढ़ाएंगे, इसे मुझे यकीन है। नमस्कार।